हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएससी दानिश। और मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी एक और नई वीडियो पे। और जैसे कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया है कि आज हम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के एक और कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज, जो स्थित है औरंगाबाद बिहार में। इस कॉलेज का सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फैकल्टी, फिर फैसिलिटीज़, फिर कोर्स, फिर कॉलेज फी, फिर हॉस्टल, फिर प्लेसमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर बच्चे को चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी न्यू है। अभी ये कॉलेज 2019 में बना ही है, कंप्लीट हुआ है, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा हुआ। काफ़ी न्यू है तो काफ़ी न्यू तरह का बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत है, पीछे का ग्रीन कैंपस है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा फोटो दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, कॉलेज का वीडियो फोटो दोनों के माध्यम से देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं, कॉलेज एसेट से अप्रूव्ड है। और हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की, इस कॉलेज में जाने का क्राइटेरिया क्या है। तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का सेम ही क्राइटेरिया रहता है, दो तरह का ही एग्जाम से आप जा सकते हो, एक जे मेन्स, एक बीसीसी। जो बीसीसी बोर्ड पीसीएम का एग्जाम खुद कंडक्ट कराती है, बीसीसी पीसीएम का, उससे आप जा सकते हो। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ इसमें आप 22-55% से जा सकते हो। 20% में आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, कभी कट ऑफ का अगर सीट खाली रहता है तो कम भी जाता है। 15% में भी मैकेनिकल आपको मिल सकती है। और अब हम बात कर लें इस कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 50% प्लस। हम बात कर ले 12 मिनिमम परसेंटेज, इसमें आपको 45% चाहिए। आप पीछे आप कंप्यूटर लैब का भी देख सकते हो, लाइब्रेरी भी देख सकते हो, वर्कशॉप का भी फोटो आपको दिख जाएगा। काफ़ी अच्छा है, सारा चीज़ का मस्त बनाया गया, अच्छा सा न्यू है, तो अभी सारा चीज़ अवेलेबल है। अब हम बात कर ले डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है, एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। तो और अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ एंड सर्विस की। तो इसमें कंप्यूटर सेंटर है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, गेस्ट हाउस भी है, जिम्नीसियम है, बैंक है, क्लब है, वाईफाई है, और स्कॉलरशिप की भी सुविधा अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छी इसकी सुविधा अवेलेबल है। अब हम बात कर ले प्लेसमेंट का। तो इस कॉलेज में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। अब प्लेसमेंट का भी आपको फोटो डाल दिया जाएगा, प्लेसमेंट देख सकते हो। इसमें एवरेज प्लेसमेंट 2 लाख कह सकते हो, हाईएस्ट प्लेसमेंट 7 लाख तक है। प्लेसमेंट का फोटो पीछे देख सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर का। तो इसमें एग्जाम फी है 3700, रजिस्ट्रेशन फी 2100, कॉलेज फी 4100, और हॉस्टल फी 50400 है। और हॉस्टल फी कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है। कॉलेज फी भी कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट हो सकता है कुछ कॉलेज का अपना बढ़ा भी सकता है, ज़्यादा नहीं, 1-200 बढ़ेगा, 1-200 घटेगा। और हॉस्टल फी कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट में होता है, तो हॉस्टल फी 5000 तक बढ़ सकता है, 2000 घट भी सकता है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद होता है कि हॉस्टल फी बढ़ता ही है। तो हम बात कर लिया तो सेम ही रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सीएससी दानिश।